जय हिंद स्टूडेंट्स, ESM क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मोशन लेक्चर सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है। इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसमें दो न्यूमेरिकल हमने किए थे। आज भी हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, कि कोई बॉडी है वो हमारा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है जिसका रेडियस कितना है आर। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया और इसका रेडियस है कैपिटल आर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो हाफ ए रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब वो बॉडी आधा चक्कर लगा लेगी किसी भी सर्कल का, या आधा रिवॉल्यूशन हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम इसमें निकालने वाले हैं क्या डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है पॉइंट ए से ट्रेवल करते हुए इसका आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है और इस पॉइंट पर पहुंचती है। आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद पहुंचती है किस पर, पॉइंट बी पर। तो जब डिस्टेंस की बात की जा रही है तो डिस्टेंस में क्या होता है कि जो भी पाथ उसने फॉलो किया है किसी भी बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, उसकी जो लेंथ होगी वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हम जानते हैं कि उसने कैसा पाथ फॉलो किया, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है उसको लिया जाएगा। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अब क्योंकि इसने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, ओनली वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे बॉडी completes the half revolution, so the distance traveled कितना होगा, distance traveled will be पूरे सर्कल के, अगर सर्कमफेरेंस की बात करें मतलब पॉइंट ए से अगर कोई बॉडी चलती है पॉइंट ए तक ही वापस पहुंच जाए तो उसकी सर्कमफेरेंस होती है कितनी, 2πr। लेकिन जब वो पॉइंट बी तक पहुंचती है मतलब सर्कल के हाफ तक पहुंचती है, तो इसका मतलब उसने आधा ही डिस्टेंस कवर किया है। तो आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए जो इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 × 2πr। और ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई, सॉरी आर कैपिटल है, पाई आर। तो उस बॉडी द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, डिस्टेंस कितना कवर किया गया, पाई आर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है वो बॉडी, आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए क्या किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी, आपके सेंटर से होकर जाएगी और सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें रेडियस कितना दिया गया है, आर। तो सेंटर से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कह सकते हैं पॉइंट ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए बी जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। तो या 2r आपका किसके इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल, डायमीटर ऑफ द सर्कल।
आइए इसी में एक सेकंड क्वेश्चन, सेम इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स ए रिवॉल्यूशन, व्हेन इट्स कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब क्या कर रही है बॉडी की, पॉइंट ए से चल रही है और वो एक पूरा चक्कर लगाते हुए दोबारा पॉइंट ए पर ही पहुंच जा रही है। तो हम जानते हैं कि कोई बॉडी है वो अब बी पॉइंट पर नहीं आ रही है आपकी, वो क्या कर रही है, वो पॉइंट ए से चल के और उसके बाद ये पाथ फॉलो करते हुए दोबारा पॉइंट ए पर ही पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में जो हमारा इनिशियल पॉइंट वो भी ए हो जाता है और फाइनल पॉइंट वो भी क्या हो जाता है हमारा ए। तो बॉडी कर क्या रही है कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए पर ही पहुंच रही है, इसका मतलब उसका एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आइए सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल पाथ जो होगा वो क्या होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस हमें कितना दिया गया है, 2πr। तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी वो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा आपका। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा कितना, 2πr, 2πr। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि B पॉइंट आपका यहाँ पर था, B पॉइंट जो है वो क्या था, इसी कह सकते हैं आप सेमी सर्कल को बना रहा था। तो इसमें जो है A से B तक की जो दूरी थी वो r प्लस आर 2r थी। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी ए है। तो हमें अब ए पॉइंट ए और से पॉइंट ए तक की ही दूरी निकालनी है, जो कि किसके इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है। तो डिस्प्लेसमेंट, आइए इसे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, वो भी ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी ए है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए का मतलब ये है कि हम पॉइंट ए से चले थे और पॉइंट ए पर ही पहुंच गए। ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि हमने उस पॉइंट से मोशन मूव ही नहीं किया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, ए टू ए वो कितना है, जीरो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, हेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जीरो, और सर्कमफेरेंस लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉडी एक रिवॉल्यूशन में, 2πr। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।